विद्या रहा है। आइए रुक करते हैं आज की कुछ अहम खबरों की। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर विकास खंड क्षेत्र के गांव डीहई का पूरा लव में भारतीय सहारा राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र व सबकी नज़र राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र के प्रधान संपादक श्याम शंकर पांडे के आवास पर शंभुनाथ जन कल्याण सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित शंभुनाथ बालकृष्ण जन्मोत्सव समिति द्वारा श्री कृष्ण का जन्म उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही जयकारों से पंडाल डूब गया। उपस्थित महिलाओं ने शोहर गीत गाया। उपस्थित लोगों को भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम सुंदर कांड रामायण पाठ से प्रारंभ हुआ। विभिन्न गायक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इसके बाद विभिन्न अतिथियों द्वारा उद्बोधन हुआ। शंभुनाथ जन कल्याण सेवा ट्रस्ट द्वारा 35 गरीब असहाय महिलाओं को साड़ियां, नवयुवकों को पैंट शर्ट, बुजुर्गों को धोती कुर्ता विभिन्न अतिथियों के हाथों द्वारा वितरित किया गया। शंभुनाथ जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन व भारतीय सहारा राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र सबकी नज़र राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र के संपादक श्याम शंकर पांडे द्वारा उपस्थित अतिथियों, समाजसेवियों, पत्रकारों व संत महात्माओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सपा युवा नेता मुगराबाद शाहपुर विधानसभा पंकज मिश्रा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शंभुनाथ जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन श्याम शंकर पांडे व वाइस चेयरमैन कृपा शंकर पांडे के द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर गरीब असहाय महिलाओं को जो साड़ी वितरण का कार्यक्रम किया गया वो बड़ा ही सराहनीय कदम है। वहीं भाजपा युवा नेता मुगराबाद शाहपुर विधानसभा विनोद मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि शंभुनाथ जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन श्याम शंकर पांडे के द्वारा श्री कृष्ण जन उत्सव कार्यक्रम में क्षेत्र की गरीब असहाय महिलाओं को जो साड़ी वितरण किया गया वो वाकई में काबिले तारीफ है। पायलट ऑफिसर व पूर्व अपर महानिदेशक भारत सरकार भाजपा नेता मुगराबाद शाहपुर विधानसभा राधेश्याम पांडे ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शंभुनाथ जन कल्याण सेवा ट्रस्ट द्वारा भगवान श्री कृष्ण जन उत्सव मनाने के साथ साथ जरूरतमंद को वस्त्र देकर सम्मानित करना यह सराहनीय कदम है। भाजपा युवा नेता इंजीनियर दिनेश शुक्ला ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शंभुनाथ जन कल्याण सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में गरीब असहाय महिलाओं को साड़ी देकर सम्मानित करना एक अच्छी पहल है। ऐसे कार्यक्रमों से समाज में जागरूकता फैलती है। भाजपा नेत्री डॉक्टर रंजना सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि शंभुनाथ जन कल्याण सेवा ट्रस्ट व भारतीय सहारा के संपादक श्याम शंकर पांडे के द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव के साथ साथ गरीब असहाय महिलाओं को साड़ी देकर सम्मानित करना सराहनीय कदम है। उक्त कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद मुगराबाद शाहपुर के पूर्व चेयरमैन राघव महाविद्यालय के प्रबंधक व भाजपा नेता कपिल मुनि गुप्त, मुगराबाद शाहपुर मंडी समिति के सचिव जगदम्बा सिंह, समाजसेवी विशाल सिंह, राहुल सिंह, अजय सिंह, देवेंद्र सिंह देव, पत्रकार श्रीनाथ मिश्रा, पत्रकार सर्वेश तिवारी के साथ साथ सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सबकी नज़र के लिए सर्वेश तिवारी की खास रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के जन्मोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन जी सबके जीवन में बहुत अपार खुशियां और हर तरह की मंगल कामना प्रदान करें, यही भगवान से मेरी प्रार्थना और कामना है। और चूंकि आज भगवान का जन्मोत्सव है तो ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी इस तरह का बोलना या कोई भी बात करना जो है भगवान की भजन के अलावा शोभा नहीं देता है। तो मैं आप लोगों का और विशेष रूप से श्री पांडे जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और मौका दिया। एक बार सबको प्रणाम करते हुए सबको जय श्री कृष्ण। कृपया आप लोग जो है भजन संध्या में जैसे डूबे हुए हैं जैसे डूबे रहे हैं पाते तो पता है कि भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। अब आप सोचिए जेल में क्यों हुआ था, तो उनके खुद के परिवार वाले ही उनको जेल में बंद किए थे, उनके माता पिता को जेल में बंद किए थे। इसलिए बंद किए थे कि उनको भगवान
से कृष्ण से डर लगता था। आप सोचिए कि जो पैदा नहीं हुआ है लोगों की उसकी भी भय होती है, लोगों को भय होता है कि कहीं ये मुझसे मेरे खिलाफ कुछ कर न दे। तो मैं श्री कृष्ण की बात कर रहा हूँ जिनका जीवन इतना संघर्षमय था। जब वो पैदा हुए तब वो जेल में हुए, उसके बाद उनके पिताजी ने जमुना पार करके उनको लेके गए, कहीं पे सुरक्षित स्थान पे रखा। तो मैं लोगों ये कहना चाह रहा हूँ कि परिश्रम इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। आप सोच सकते हैं कि जो बच्चा जेल में पैदा हुआ है कभी हम उसकी उपाय भगवान से देंगे, हम उनकी आज पूजा करते हैं, इतने सालों बाद भी हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं। तो इंसान अपने कर्मों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं, क्योंकि जन्म में तो दुख भी मिलता है। और आज अगर इंसान अपने कर्म को करते जाता है तो वह सुख में बदलते चला जाता है, और जब इंसान सही कर्म करता है तो लोग उसकी पूजा करते हैं। अपनी भक्ता के साथ भगवान कृष्ण का आज जो है उत्सव मना रहे हैं, शायद इसलिए आप गर्वशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं कि आप भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना सकते हैं। लेकिन आप कल्पना करिए इससे बाहर वहां भी हिंदू है, आप पाकिस्तान में जो हिंदू है, बांग्लादेश जो हिंदू है, अफगानिस्तान में जो हिंदू है, इस तरह से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं मना सकते, उनको कोई छूट नहीं भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए। हम जो है हिंदू है, आज हिंदू होने की ये पराकाष्ठा हमको प्राप्त है, हम भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव इस हफ्ते सलाह के साथ मना सकते हैं, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इससे पहले जब दूसरी सरकारें थी, उसके पहले और दूसरी सरकारी थी, मुगल जो है सरकारें थी, उसके मानव की जो सरकारें थी, वहां पर हमें पाबंदी थी, हम किस तरह से खुले आप भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं मना सकते थे। आज जो है भगवान कृष्ण को मना रहे हैं, ये हम सब उसके भक्त की बात है। और पुनः भक्त की बात है कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी ने भगवान राम का मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त करके बात बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये हिंदू धर्म के लिए बहुत प्रकाश की बात है। सब लोग इसलिए भगवान कृष्ण का एक बार जगह लगाएंगे, भगवान कृष्ण की जय, भगवान कृष्ण की जय। और इस अवसर पर हम पुनः हमारे ट्रस्ट के संचालक, हमारे पत्रकार श्याम चंद्र पांडे जी को बधाई देता हूँ कि इस परंपरा को तंत्र तक कायम रखे हुए हैं, और इस परंपरा में हम लोगों को भगवान कृष्ण के चरणों में आकर के बंधन करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये मैं उनको विशेष रूप से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, मैं निश्चित रूप से वो इसके लिए पात्र है, साधुवाद के पात्र है और बधाई के पात्र है। मैं आप सबने का पूरा अभिनंदन करता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, और सबको सम्मान प्रेम।